और पूरा वक्तव्य तो मैं 12 तारीख को दूंगा, लेकिन अभी मुख्यमंत्री बाल सत्र और बाल सरकार का चुनाव हुआ है, और अभी आपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आपने अभी नियुक्त करने हैं, और उसके बाद ऑपोजिशन लीडर का नाम जो नामित होगा प्रोसेस में, और फिर उसके बाद स्पीकर का चुनाव होगा। आप जानते हैं ये हिमाचल प्रदेश की विधानसभा जो जहां आप बैठे हैं, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का समर कैपिटल था, यानी जब आजादी से पहले यहाँ गर्मियों के दिनों में पार्लियामेंट आयोजित होती थी। तो इट इज ए सीट ऑफ द पार्लियामेंट ड्यूरिंग दिस समर, और ये काउंसिल चैम्बर के नाम से जाना जाता है, और ये सारी बिल्डिंग, और ये ब्रिटिश पीरियड में ब्रिटिश गवर्नमेंट की समर कैपिटल थी। और उसके बाद ये जो स्थान है, यहाँ पर पहली बार जो चुने हुए अध्यक्ष के रूप में अगर किसी ने यहाँ पर स्थान ग्रहण किया, तो वो सामने फोटो लगी है, ये आदरणीय हमारे विट्ठल भाई पटेल हैं, और ये फर्स्ट इलेक्टेड स्पीकर इंडियन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रेजिम ये हुए हैं, क्योंकि ब्रिटिश पीरियड जब हम आज़ादी की तरफ जा रहे हैं 1925 में, तो इलेक्शन इन्होंने नॉमिनेशन किया, यहाँ इस काउंसिल चैम्बर में इलेक्शन हुआ, और ये 4 वोटों से उस समय की पार्लियामेंट में चुने हुए स्पीकर लोकसभा बने, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनियन ऑफ इंडिया चलती थी यहाँ से, और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट था। और जैसे ही देश आजाद हुआ 1947 में, उसके बाद फिर ये दो इन्होंने फिर चुनाव लड़ा, फिर इनका संबंध कांग्रेस पार्टी से था, लेकिन जब ये स्पीकर बने तो इन्होंने अपने आप को यहाँ सदन में किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंधित, जो संबंध भी होने के बावजूद भी अपना जो यहाँ पर जो एज ए स्पीकर रोल है वो पार्टी से ऊपर इन्होंने किया। और दूसरी बार जब इन्होंने चुनाव लड़ा तो एज ए इंडिपेंडेंट लड़ा, किसी जो है पार्टी से नहीं लड़ा, और फिर ये जीते, और फिर दूसरी बार फिर चुनाव इसी ब्रिटिश पार्लियामेंट के टाइम में दोबारा फिर स्पीकर बने। इनकी फोटो आपको पार्लियामेंट में भी दिखाई देगी, क्योंकि इज द फर्स्ट इलेक्टेड स्पीकर ऑफ द इंडियन लेजिस्लेचर और द पार्लियामेंट, और वहां भी है यहाँ भी है, ये हमारे आदर्श हैं। और उसके बाद जब देश आजाद हुआ 1947 में, फिर आपको पता संविधान लागू हुआ 25 जनवरी सन 1950 को जो है, और फिर चुनाव हुआ 1952 में, तो उसके बाद हिमाचल प्रदेश का गठन जो है 1948 में हुआ, 15 अप्रैल, छोटे छोटे रियासतों को मिलाकर पहले छोटा हिमाचल बना, और उसके बाद फिर पंजाब के कुछ हिस्से हिमाचल प्रदेश में सम्मिलित हुए, फिर बड़ा हिमाचल बना, पहले हमारी सीटें 35 थी, फिर 45 हुई, फिर 68, और अब जब दोबारा से डिलिमिटेशन होगा, पुनर्सीमाकरण होगा, तो शायद ये सीटें और बढ़ेंगी। तो ये हिस्टोरिकल जगह है जहाँ आप बैठे हैं, और जिस कुर्सी पर जानवी बैठी हैं या मुख्यमंत्री बैठते हैं, इस ओर जो है सारा पक्ष बैठता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बैठते हैं। पहले इसका जो शेप था वो सीधा था, जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट की अगर आप फोटो देखें तो एक तरफ रूलिंग होती है, एक तरफ ऑपोजिशन होती है, लेकिन 85 में इसको सेमी हॉर्स शू शेप दी गई। और जब मैं पहली बार इस माननीय सदन का सदस्य बना 1985, 6th विधानसभा इन द एज ऑफ जस्ट 27, और अब तो लगातार चुनाव 9 लड़ने के बाद अब स्पीकर के बात कर लूँ, तो ये यहाँ कार्रवाई होती है। अब आपको पता है आपका सत्र का संचालन होगा, ट्रेनिंग दे रहे हैं, और उस दिन शायद प्रश्न काल होगा आधे घंटे का, उसके बाद फिर ओपन कर देंगे सारे, जिसको जीरो आवर्स बोलते हैं,
और उसमें फिर सत्तापक्ष विपक्ष के बीच में वार्तालाप होगा, विचार विमर्श होगा, मुद्दों के ऊपर बहस होगी और बहस के साथ साथ समाधान भी आप सरकार और मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद के सदस्य और यहाँ से विपक्ष के साथ ही सुझाव रखेंगे। तो आप सबका स्वागत है एक बार फिर से और बाकी मेरा पूरा वक्तव्य उस दिन होगा और मुझे खुशी है कि आप सब ने डिजिटल बाल मेला जो साइट है उसके माध्यम से आप सबका चयन हुआ है और बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन था। देश भर से जो थे बच्चे इसमें भाग ले रहे थे और उनमें से जो शॉर्टलिस्ट हुए 1108 के करीब, उन 1108 में आप 68 आज इस माननीय सदन में बैठे हैं। आप सबको एक बार फिर बहुत बहुत बधाई है और मुझे पूरी आशा है कि आप जब अपने विचारों की अभिव्यक्ति यहाँ करेंगे तो देश और प्रदेश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो राजनीति की आवश्यकता है, जरूरत है, जिन मुद्दों के ऊपर आप जो है उन मुद्दों को हल करने के सवाल जवाब आप यहाँ ढूंढेंगे और उन मुद्दों से परिचित होंगे, मुझे ऐसा लगता है वो आने वाले समय के लिए, राजनीति के लिए, सरकारों के लिए, हम सब के लिए दिशा के रूप में काम करेगा। तो